हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों का जो यहाँ पे सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी का गाइस जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड। तो नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन कॉलम दिखा देगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रिलीज हो चुका है पीजी कोर्सेज के लिए, और यहाँ पे आपको लिंक भी दे दी गई अप्लाई करने के लिए। सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक टू अप्लाई। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आप इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं पीजी प्रोग्राम में आर्ट्स कोर्सेज में क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, कॉमर्स में, सोशल स्टडीज में, साइंस में कौन से कोर्सेज अवेलेबल, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसका सिंपली आप न्यू यूजर पे क्लिक कर देना, उस पर क्लिक करते आपके सामने यहाँ पे इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को आपका जो है फर्स्ट नेम एंटर कर देना होगा गाइस। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे मिडिल नेम, फिर आप लोगों को यहाँ पे जो है लास्ट नेम एंटर कर देना है। देन गाइस आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करा देना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने xyz@gmail.com एंटर कर दिया। आप लोग अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर वही ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे जो है री एंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा देना है, मोबाइल नंबर आपको री एंटर करना होगा। उसके बाद गाइस आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, सिंपली आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डेट, मंथ एंड ईयर तीनों सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक पासवर्ड एंटर कर देना होगा, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। फिर वही पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे री एंटर कर देना है। फिर इतनी डिटेल्स फिल करने का सिंपली आप एक्नॉलेज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाता है, कैप्चा आप लोगों को फिल कर देना है। तो यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद फिर सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे गाइस, तो रजिस्टर पे क्लिक करते आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे। आप जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है और आप लोगों का जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है आप लोगों का कम्प्लीटली। आप सिंपली कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो गाइस लॉगिन के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग अपने जो है प्रोफाइल में डायरेक्टली आ जाएंगे, जहाँ पे आपको देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, फिर पेरेंट्स गार्जियंस डिटेल, फिर परमानेंट एड्रेस का आपको एड्रेस एंटर करना होगा, कम्युनिकेशन एड्रेस, एकेडमिक डिटेल्स, जो जो डिटेल्स पूछे जा रही है सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख सकते जो जो ब्लैंक है वो आपको एंटर कर देना है। लाइक यहाँ पे आप लोगों को जो आपका आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना होगा। फिर उसके बाद कैसे आप लोग अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, आपका शादी का स्टेटस क्या हुआ है आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, कम्युनिटी क्या है आपके, आपका रिलीजन क्या हुआ आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी यहाँ पे आप लोगों का रिलीजन हो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, फिजिकली चैलेंज हो यस या नो आपको अगर हो तो यहाँ पे टिक करना, अंदर से ब्लैंक छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, वो प्लेस आप लोगों को यहाँ पे एंटर कर देनी होगी, आपकी मदर टंग क्या है वो मदर टंग एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे पेरेंट्स गार्जियंस डिटेल आपको एंटर करनी लगेगा, आपके गार्जियन का नाम एंटर कर देना होगा, उनका जो है मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। फिर उसके बाद गाइस रिलेशनशिप के गार्जियन के साथ वो एंटर कर देना होगा। आप लोगों को फैमिली इनकम कितनी, आपकी जितनी भी आपकी फैमिली इनकम है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। गार्जियंस का जो भी ईमेल रहेगा आप लोगों को वो ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड करा देना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर देना है, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री के बाद गाइस यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह से सारी चीज़ें जो जो यहाँ पे बताई जा रही है सारी डिटेल्स आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर एंटर कर देना होगा, चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी आपकी सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है, गार्जियन एड्रेस सेम है, अगर परमानेंट एड्रेस है सिंपली यहाँ पे टिक कर देना होगा तो अपने आप एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे फुल कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है विद पिन कोड, एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है आपके, और उसका सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो गाइस आप लोगों का जो है यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद गाइस आप लोगों का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन फी आपकी हो जाएगी फी पे करके। फिर आप लोग का गाइस यहाँ पे जो है एप्लीकेशन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा सबमिट। इनकेस भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई इश्यू तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।